Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूब। वेल ये काफी बेहतरीन कहानी है जो आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। एक लड़की जिसे जंगल के बीचों बीच में एक रहस्यमय चीज मिलती है जिसे छूने पर कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आखिर वो क्या चीज है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मिलियनर के घर को दिखाते हुए जिसके अंदर कोई घुसा है, और इतने में हम माइकल को भी देखते हैं जो इस घर का मालिक है। वो बाहर आ रहा था कि तभी वो चोर उसके पीछे से हमला करता है और उसे वहीं बेहोश कर देता है, जहां से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हम क्लेयर नाम की लड़की को देखते हैं जो इस घर में रहती है और हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर भी है। उसके पास उसके डैड बैठे हुए हैं। वो उसे बताते हैं कि आज डॉक्टर तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आए, इसे पहनकर तुम कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझोगी। दरअसल दोस्तों, क्लेयर का हाथ एक हादसे में टूट गया था जिसके बाद उसे बहुत ही मुश्किलें होती आ रही है, और इसीलिए उसके डैड एक प्रोस्थेटिक हैंड लेकर आए। लेकिन उसे पहनने से पहले वो उन्हें रूम से बाहर जाने को कहती है, शायद उसे अजीब लग रहा है। अब डॉक्टर वो उसे हाथ आराम से पहना लेते हैं और बताते हैं कि ये हाथ तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चलेगा, जैसे तुम महसूस करोगी, जैसे तुम सोचोगी वैसे ही ये काम करेगा। मतलब वो अपने माइंड से उसे कंट्रोल कर सकती है। फिर वो उसके सामने तीन ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर वो उसके सामने तीन ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसे पकड़ने को कहते हैं, लेकिन क्लियर ऐसा नहीं कर पाती। धीरे धीरे वो सीख जाएगी। ये बोलकर डॉक्टर उसके डैड के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको इसे आराम से सिखाना होगा और इसके गुस्से वाली आदतों में भी सुधार लाना होगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर क्लेयर अपने डैड से कहती है कि उसे अपनी मॉम से बात करनी है। तो वो उसे एक रूम के बाहर लेकर जाते हैं जिसके अंदर से एक डॉग निकलता है। क्लेयर उसे ही अपनी माँ मानती है, इसीलिए उसने उसका नाम जूली रखा है जो कि उसकी मॉम का असली नाम था। उस डॉग के गले में हम एक डिवाइस को देखते हैं जिससे कि वो इंसानों की भाषा को समझ सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। शायद इसी वजह से वो उसे अपनी मॉम समझती है, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी माँ को एक कार हादसे में खो दिया था। अगले दिन उसके डैड उसे फिर से प्रैक्टिस करवाते हैं उसी हाथ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्लेयर आखिर में इरिटेट हो जाती है और सब कुछ फेंक देती है। तब उसके डैड उसे समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, लेकिन क्लेयर को तो उल्टा उन्हें ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है, जिसमें वो कहती है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, जिसके बाद वो अपने डॉग को लेकर जंगल में वॉक पर चली जाती है। एक ब्लैक कलर का क्यूब दिखाई देता है जो बहुत ही स्मूथ था। वो उसके करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करती है तो उसमें एक होल बन जाता है, जिसके अंदर हाथ डालने पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि उन पर भरोसा मत करना। वो तुरंत ही घर के अंदर जाती है और खुद की हैंडराइटिंग को उससे मैच करती है। तब उसे ये जानकर हैरानी होती है कि ये तो उसकी सेम हैंडराइटिंग है, लेकिन अभी तक उसे कभी भी कुछ ऐसा लिखा ही नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ। और इसी सोच में वो डूबी रहती है कि आखिर वो क्यूब जैसी चीज क्या है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जिसको जंगल के बीच में एक जख्मी लड़की मिलती है। उसके साथ उसका भाई पॉल भी था। वो फौरन उसके घर लेकर आता है और उसकी ट्रीटमेंट करता है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। दूर खड़ी क्लेयर ये सब देख रही थी और वो डर भी जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो स्टेबल होती है तो वो दोनों आकर उनके नाम पूछते हैं, तो वो लड़की अपना नाम सोनिया बताती है और उसके भाई का नाम पॉल। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बहुत ही बुरी तरह से उसे मारा हो। यहाँ वो ये भी बताती है कि उसका भाई पॉल बोल नहीं सकता। तब माइकल अपने बारे में और अपनी बेटी के बारे में उसे बताता है और पूछता है कि आखिर उसका ये हाल किसने किया। तब सोनिया कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में आई थी, लेकिन उसे ऐसे अकेले आने में डर लग रहा था, इसीलिए वो पॉल को साथ लेकर आई, जो बात उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आई, इसीलिए वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और मुझे बहुत मारा भी, जिसकी वजह से ये मेरी हालत ऐसी हो गई। अब यहाँ माइकल को पुलिस को कॉल करना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि इससे सोनिया की बदनामी हो सकती है, इसीलिए वो उन दोनों को थोड़ी दिन वहीं रुकने को कहते हैं और फिर वो खुद उसे उनके घर छोड़ देंगे। और इतने में वहां वो डॉग यानी कि जूली आती है जो उनसे पूछती है कि तुम लोग कैसे हो। यहाँ क्लेयर बताती है कि ये उसकी मॉम है। अब उन दोनों बच्चों को भी कोई ताज्जुब नहीं होता ये सुनकर, शायद वो इन सब चीजों से वाकिफ। अब रात में सोने से पहले जूली उनके पास जाती है उनका हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन सोनिया उसे रूम से बाहर कर देती है, जो बात वो क्लेयर को बताती है और कहती है कि उन्हें उन दोनों पे कुछ शक हो रहा है। तब क्लेयर को वो नोट भी याद आता है जो शायद फ्यूचर से आया होगा, उसे ये बताने के लिए कि उस पर उन्हें यकीन नहीं करना चाहिए, शायद उस नोट में उन दोनों की ही बात हो रही हो। इसी दौरान उसे घर के बाहर कोई दिखता है, शायद ये सोनिया का बॉयफ्रेंड होगा। वो फौरन अपने डैड को बुलाती है, लेकिन उन्हें तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, और फिर वो घर को सील कर देते हैं उनकी सेफ्टी के लिए।
अब अगले दिन क्लेयर फिर से प्रैक्टिस करती है, लेकिन हर बारी की तरह वो छोटे वाले ऑब्जेक्ट को उठा नहीं पा रही थी। तो उसके डैड उसका हौसला बढ़ाते हैं, पर वो उन्हें थोड़ी देर बाद ट्राई करने को कहती है, इसीलिए वो चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पॉल आता है जो उसकी मदद करता है उस ऑब्जेक्ट को उठाने में, लेकिन अभी भी क्लेयर ये नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो उसे गले से लगा लेता है, जो कि बहुत ही अजीब था क्लेयर के लिए, क्योंकि अभी इतनी जल्दी उन पर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने डैड को ढूंढने लगती है और यहाँ जो वो देखती है उसे तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके डैड सोनिया के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, जिस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उनसे झगड़ा करने लगती है। क्लेयर का कहना था कि उनकी मॉम अभी भी जिंदा है, उन्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माइकल कहता है कि वो मर चुकी है, जो सुनकर वो और गुस्सा हो जाती है और जूली को लेकर फिर से जंगल की ओर निकल जाती है। और आज भी उसे वही सेम क्यूब दिखता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि माँ उसके अलावा और कोई भी उस क्यूब को देख नहीं पा रहा। क्लेयर आज उसके अंदर जब हाथ डालती है तो उसे एक दूसरा नोट के साथ एक ऑडियो कार्ड भी मिलता है, जिस पर लिखा था कि उसे ये ठीक 4 बजे सुनना है हेडफोन को लगाकर। वो सीधा घर जाती है और 4 बजने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही 4 बजते हैं वो फौरन ही उसे सुनना शुरू करती है, जिसमें उसे खुद की आवाज़ आती है जो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, कुछ काम करने को कह रही थी, जैसे कि उसे अभी अपने डैड के पास जाना है और उनसे कहना है कि उन्हें बाहर किसी को देखा है, लेकिन वो ये कोशिश करे कि वो कैसी भी करके पुलिस को कॉल ना करे। और जैसे ही उसके डैड बाहर जाएं और पॉल को ब्रेड देने के बहाने उसका खून कर देना है। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ये खून करने वाली बात क्लेयर को हजम नहीं होती। वो ये चीज़ तो कभी नहीं करेगी, पर उस दिन जो भी कुछ उसने देखा उसके बाद से उसके अंदर अभी भी वो गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए वो किचन में चली जाती है। यहाँ पर हम इतना तो जान गए हैं कि वो क्यूब किसी टाइम मशीन की तरह है, जो कि फ्यूचर से आने वाले सारे मैसेज उसे दे रहा है और उसी को अब क्लेयर फॉलो कर रही है। पर आखिर में वो वहाँ पहुँचा कैसे, इन सब के पीछे का मोटिव क्या है, ये सब हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। वेल, अब क्लेयर किचन में आती है और पॉल भी वहीं होता है, पर जैसे ही वो चाकू निकालती है वो उसे किस कर लेता है, जिसके बाद वहाँ सोनिया आ जाती है, तो वो उसे वहीं रुकना पड़ता है। यहाँ पॉल क्लेयर से अट्रैक्ट हो रहा था, जो बात वो भी जानती है, उसने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो शायद आज रात कुछ अजीब होगा। अब हम देख पाते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और फिर रात, लेकिन आज सच में कुछ अजीब होता है। सोनिया अपने कपड़े उतार कर माइकल के रूम में चली जाती है और उसे करीब आने को कहती है। उधर बाहर पॉल को अब मेन गेट का कोड पता चल चुका था, इसीलिए वो उसे खोल देता है, जिससे कि एक बंदा अंदर आ जाता है। उधर सोनिया माइकल को अपने पीछे पीछे आने को कहती है, वो भी इतना पागल हो गया था कि उसके कहने पर वो हर चीज़ करता जा रहा था, लेकिन बाहर जाने पर वही अनजान आदमी अचानक से उसके पीछे आता और तेज़ी से उसका गला काट देता है। उसके बाद सोनिया जाकर जूली का भी खून कर देती है और फिर तीनों, यानी कि पॉल, सोनिया और वो अनजान आदमी, उस घर से भाग जाते हैं। कुछ ही देर बाद जब क्लेयर को कुछ महसूस होता है तो वो उस घर के बाहर आती है। जो वो देखती है उससे उसका दिल टूट जाता है। उसके मॉम डैड दोनों को ही उन लोगों ने मार दिया था। वो अपने डैड की लाश के पास बैठकर बहुत रोती है। अब आपको लग रहा होगा कि वो सीधा पुलिस को कॉल करेगी या फिर बाहर जाएगी, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं करती और चुपचाप जाकर वही सोफे पर सो जाती है। जब सुबह होती है तो वो फिर से जंगल में जाती है और उस क्यूब के पास खड़े होकर खूब रोती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड की मौत हो गई। वो उसे जोर जोर से पीटने लगती है कि तभी अचानक से वो क्यूब खुल जाता है। क्लेयर उसके अंदर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो बंद हो जाता है और फिर कुछ ही देर बाद हम क्लेयर को बैठा हुआ देखते हैं। वो असल में दोस्तों एक दिन पीछे चली गई थी। जैसे कि आपको पता है कि वो क्यूब एक टाइम मशीन है जो कि लोगों की मदद करता है उनकी गलतियों को सुधारने में। यहाँ क्लेयर देखती है कि सोनिया सच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है जंगल में, और उसने जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल सच था। वो इन सारी चीज़ों को अपने फ़ोन से रिकॉर्ड भी करती है। अब यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, अभी हम जिस क्लेयर को देख रहे हैं वो फ्यूचर वाली क्लेयर है, और जो अभी की आज की क्लेयर है वो अभी भी घर के अंदर है, इसीलिए उसे थोड़ा ध्यान से सारी चीज़ों को रखना होगा। उस रात जब पास्ट वाली क्लेयर को घर के बाहर कुछ दिखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो फ्यूचर वाली क्लेयर थी, जो उसे छुप कर देख रही थी। उसे सारी बैक स्टोरी तो पता थी और इसीलिए वो कल सुबह घर में जाने का फैसला करती है। नेक्स्ट डे उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लिया था, जिसके बाद वो सीधा घर में घुस जाती है। पर कुछ ही देर में प्रेजेंट वाली क्लेयर उसे देख लेती है, लेकिन वो कोई शोर शराबा नहीं करती, बल्कि उसे समझ आ गया था कि ये फ्यूचर से आई है, शायद कोई खतरा है, उसको टालने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आई है, और इसीलिए उसके कहने पर वो एक रूम में बंद हो जाती है, क्योंकि आगे का काम वो खुद ही करने वाली थी। अब सबसे पहले वो उस ऑडियो टेप को सुनती है जिसमें दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करेगी और सबसे पहले अपने डैड को घर से बाहर कर देगी।
फिर वो किचन में जाती है। अब पिछली बारी तो वो कतरा रही थी, लेकिन इस बारी वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, इसीलिए वो सीधा पॉल का खून कर देती है। लेकिन तभी वहां पर सोनिया आ जाती है, जो अपने भाई की लाश को देखकर गुस्से में आ जाती है और उसी चाकू से क्लेयर का खून कर देती है। कुछ ही देर बाद जब वहां माइकल आता है तो अपनी बेटी की लाश को देखकर सदमे में चला जाता है और यहाँ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये सब कैसे हुआ। वो उसको देखकर बहुत रोता है, लेकिन तभी दोस्तों कमरे में बंद आज वाली क्लियर बाहर आ जाती है और उसे जिंदा देखकर माइकल हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो उसे सबसे पहले जंगल में मिले उस रहस्यमय क्यूब के बारे में बताती है, जिसके बाद वो उसे उसी ऑडियो को भी सुनाती है और यहाँ वो दोनों साथ में उस जंगल में जाते हैं और वहाँ माइकल उस क्यूब को देखता है और एक बार फिर वो क्यूब खुलता है और वो दोनों उसमें जाकर बैठ जाते हैं और फिर दोनों साथ में ही उस क्यूब के अंदर बैठ जाते हैं और टाइम ट्रैवल करके उसी टाइम पर आ जाते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जब माइकल खाना लेकर आ रहा था तो उसके पीछे जिस बंदे ने उसे मारा था वो असल में कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ माइकल था और अब पास्ट वाली क्लियर को भी मार दिया जाता है क्योंकि एक समय पर एक ही लोग जिंदा रह सकते। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने में वहां पर डेविड नाम का एक लड़का आता है जिसके हाथ में चाकू था। ये वही बंदा था जो कि माइकल को मारने के लिए आया था और सोनिया का बॉयफ्रेंड भी यही है। लेकिन आज उसका प्लान फेल हो जाता है तो वो आकर माइकल के पास बैठ जाता है तो माइकल उसे पूछता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता है। और तब यहाँ पर कहानी का प्लॉट रिवील होता है। वो बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी कार से एक हादसा हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए थे और इसीलिए तभी उसने फैसला किया कि वो उसे मार कर रहेगा। लेकिन इतने में पीछे से फ्यूचर वाली क्लियर आकर उसके सर में चाकू घुसा देती है, उसका खून कर देती है। लेकिन वो भी वही बात दोहराती है पर एक अलग नजरिए से। वो कहती है कि उस कार हादसे में उसकी मॉम की भी मौत हो गई और उसने अपना हाथ भी खो दिया। अब हम जान पाते हैं कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई और उसका हाथ कैसे गया। ये सब कहानी सुनकर और देखकर माइकल को अभी भी लगता है कि ये एक सपने जैसा है और अब वो सबकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा है। लेकिन यहाँ क्लियर बताती है कि उसके पास एक आइडिया है। वो अपने माइंड की पावर को थोड़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद बढ़ाएगी और फिर वो 6 महीने पीछे जाएगी जब वो हादसा हुआ था। तो माइकल कहता है कि ठीक है, तुम्हें उस दिन मेरी कार की इसको छुपाना होगा ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कभी ट्रिप पर ले जा ही ना सकूं, जिससे कि ये सब कभी हो ही ना। अब वो मान जाती है और फिर खुद की प्रैक्टिस में लग जाती है। वो कई दिन तक उस ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करती है और आखिर में अपने ब्रेन को इस काबिल बना लेती है कि वो उस मशीन डिवाइस को मैसेज देने लगता है उसे वो ऑब्जेक्ट उठाना है। और इसके बाद वो तीनों ही सिलेंडर को बड़े ही आराम से उठा लेती है और ये करते ही वो भागते हुए जंगल में जाती है और जाकर उस क्यूब के अंदर बैठ जाती है ताकि वो उस दिन पहुंच सके जब ये सब की शुरुआत हुई थी, जब उसकी मॉम जिंदा थी, जब उसका हाथ सही सलामत था और उसका डॉग भी उसके पास था। लेकिन उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, एक छोटी सी चूक उसके पूरे भविष्य को बदल सकती है और इसके बाद भी कुछ सही नहीं हो सकता। जैसे कि हम जानते हैं कि ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से उसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं और वो नुकसान क्लियर को चुकाना पड़ सकता है और बूम, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, रियलिटी में ना तो हम भूत और भविष्य में जा सकते हैं और ना ही उन्हें देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रैवल करने का तो कौन से समय में आप जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।